सुमेंद्र मौर्य चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बैल को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी कोई दूर बैठे व्यक्ति हैं उसकी कैसे मदद करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे उसे, और कैसे यहाँ बैठे बैठे आप उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत होगी रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने मोबाइल के जरिए आप अपने कंप्यूटर को फुली कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसके लिए आप कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई दूर बैठे व्यक्ति को या मित्र को, आपसे रिलेशन में जो भी हैं, तो उसको आप कैसे बैठे बैठे यहाँ मदद कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप ये मदद करेंगे तो उसके लिए आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की जरूरत होगी, जिसे बैठे बैठे आप यहाँ से मदद कर पाएंगे और आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर से जुड़ी। तो इसके लिए ही मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, और आपको देखना है कि ये वीडियो में मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो आप कैसे सीखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, और इस वीडियो में आपको पूरी पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपको अच्छे से। दोस्तों, मैं कंप्यूटर से रिलेटिव, मोबाइल से रिलेटिव टिप्स एंड ट्रिक या अपडेट्स की वीडियो हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हमेशा लाता रहूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाना है, और आपको अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र मिल जाएगा। अगर आपके यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिए, और आपको उसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ ब्राउज़र को, तो फ्रेंड आपको इस तरह से यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर करना क्या है, ऊपर के साइड में कॉर्नर में आपको ऐप का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको यहाँ से नहीं आएगा तो आपको साइड में भी यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ ऐप पे क्लिक करना है। तो ऐप के पे आप जब जाएंगे तो आपको इस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपके जो भी इस ब्राउज़र में आपने जितने भी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आपका वेब स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद ये जब ओपन हो जाएगा तो आपको सर्च क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आपका ये ओपन हो जाएगा तो फ्रेंड आपको वेब स्टोर में क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा, और आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर टाइप कर देना है, उसके बाद एंटर मार देना है, और एंटर मारने के बाद आपने जो यहाँ पर टाइप किया है वो आपके सर्च में आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन आ गया है। अगर आपके सर्च करने के बावजूद भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो और उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ से इसे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और जब ये ऐड हो जाएगा तो अभी यहाँ पर चेकिंग का ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको कुछ डायलॉग बॉक्स इस तरह से दिख जाएगा, और उसको आपको क्या करना है, ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो जब आप इसे कर देंगे आपको क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग में टाइम लेगा, यहाँ पर चेकिंग का ऑप्शन दिखा रहा है। तो जब ये हो जाएगा तो नीचे पे आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसे जाएंगे, तो इस तरह से आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ऊपर ऐड हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर में कॉर्नर पर ये मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जब क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, आप ऐप से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसे क्लिक कर दे रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। तो इसका जो होम पेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, और होम पेज को आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे अप करना है। तो होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर रिमोट एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, रिमोट सपोर्टेड। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इसके गाइडलाइन के थ्रू देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और आपको यहाँ रिमोट एक्सेस पे क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली इसके उस पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ से हम इसे रिमोटली कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको दो
ब्रांड आपको यहाँ पर कुछ दूसरा यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा खुलने में टाइम ले रहा है। तो सेटअप रिमोट एक्सेस, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पर नीचे कुछ लिखा भी है, सेटअप दिस कंप्यूटर टू बी रिमोटली एक्सेस फ्रॉम अनदर डिवाइस, टू गेट स्टार्टेड क्लिक द डाउनलोड बटन। तो आपको यहाँ पर डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्यू टाइम लेगा ये, नीचे आपको दिखाई देगा यहाँ पर कुछ 14 MB का है लगभग ये। तो ये मैं विंडो 10 के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप उसमें कैसे करेंगे, और ये सभी में सेम वर्क करता है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। साइड में सेकेंड ऑप्शन जो आपको रिमोट सपोर्ट का दिख रहा है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप गेट सपोर्ट का ऑप्शन दे रखा है आपको, किस तरह से यहाँ पर क्या करना है और किस तरह से आपको पिन वगैरह बनाना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ। इसके लिए हमने पहले से यहाँ पर डाउनलोड लगा दिया है, तो जब तक सेटअप डाउनलोड नहीं होगा तब तक हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब जो ये डाउनलोड हो रहा है आपको नीचे की तरफ यहाँ दिख रहा है, डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद ही हम ये सेटअप कम्प्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्यू टाइम रह गए हैं, तो यहाँ पर ये लगभग डाउनलोड हो चुका है, अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये सेटअप होना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर विंडो इंस्टॉलर रिमोट डेस्कटॉप होस्ट का यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, तो आपको यहाँ प्लीज़ वेट फ्यू टाइम का दिखा रहा है, और इस तरह से आपको यहाँ कन्फर्म मैसेज मांगेगा, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है इसको, गूगल क्रोम इंस्टॉलर को, और ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आपको यहाँ रिमोट एक्सेस पे क्लिक कर देना है, जब आप रिमोट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्न ऑन का आपको ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है टर्न ऑन के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपका कुछ यहाँ जो डेस्कटॉप वगैरह है उसका आपको इस तरह से नाम देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, इसे चेंज कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा, आप नाम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर न्यू पिन, री इंटर न्यू पिन, तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन बनाना है जो कि आपको अपने मोबाइल में एक्सेस करना है, उसके बाद ही आप इसे कनेक्ट कर सकेंगे। तो उसको कैसे करेंगे कनेक्ट ये भी मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं एक पिन कोई डाल देता हूँ। और यहाँ पर आपको री एंटर में भी सेम पिन डाल देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देना है सेम पिन डालने के बाद, और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आपको डाल देना है, स्टार्ट पे क्लिक किया है, थोड़ा सा फ्यू टाइम लेगा यहाँ पर, और आपको यहाँ सेव रखना चाहते हैं तो आप सेव भी रख सकते हैं, जैसा आपका पर्सनल कंप्यूटर तो उसे सेव भी कर सकते हैं, नेवर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया उसको, यहाँ पर आपका जो डेस्कटॉप का है फाइनली सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। फ्रेंड ये रेडी स्टार्ट यहाँ पर आपको लिख के आ रहा था, तो अभी ये ऑनलाइन हो चुका है, तो इस चीज़ पर आपको सेम ध्यान देना है, जो आपने ईमेल आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखी सेम आईडी आपको अपने कंप्यूटर जो लैपटॉप है आपको उसमें भी सेम आईडी ही यूज करनी है, क्योंकि आपकी जीमेल आईडी सेम होगी तभी आप प्रॉपर कनेक्शन बना सकते हैं, वरना आपको दिक्कत आएगी। तो इसके लिए ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर अब ऑनलाइन आ गया है, अब आपको यहाँ पर इसका नाम अगर आप कंप्यूटर का चेंज करना चाहते हैं अपने, तो आपको यहाँ पर चेंज कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, तो एडिट इन सेटिंग फॉर दिस डिवाइस, तो आप यहाँ पर अपने डिवाइस की जो सेटिंग है उसमें चेंज नेम कर सकते हैं आप जो चाहें, और पिन भी यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद आप जब चेंज कर देंगे तो उसके बाद सेव भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसको डिलीट करना है तो आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप जैसा चाहें उसे कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, और आपको सेव कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वैसे ही आ जाएगा जो आप नाम देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी नाम चेंज नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको मोबाइल में कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, तो मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। फोन में क्या करना है, आपको फ़ोन में भी सेम आपको क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और आप वो कैसे करेंगे डाउनलोड, आप प्ले स्टोर से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड में क्रोम रिमोट डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसको आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ, ये लगभग 7 MB की फाइल है, 7.3 की, तो आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो आपके अनुसार यहाँ पर जैसे मांगता है तो आप डाटा के लिए अनेबल कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ये इंस्टॉल कर हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल, यहाँ पर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है, अब मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ,
और ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको आपके कंप्यूटर का नाम दिख जाएगा, जो भी आपने दे रखा है नहीं दिया तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे डेस्कटॉप कनेक्टिंग के लिए मांगेगा, जो है कनेक्टिंग के लिए कुछ प्रोसेस करेगा, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो पिन मांगेगा वो यहाँ पर इस तरह से मांगेगा। आपको यहाँ पर 6 डिजिट का पिन डालना है, वो कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। अगर आप यहाँ पर नहीं डालेंगे तो कनेक्ट नहीं होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ पर और ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ पर वही ईमेल आईडी लॉगिन करनी है जो कि आपने अपने कंप्यूटर में कर रखी है। दूसरी बात, जो भी इंटरनेट है या वाईफाई कनेक्शन है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो आपको दोनों में सेम रखना है, फिर तभी ये आपके मोबाइल में वर्क करेगा, आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो पिन था वो यहाँ पर डाल देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर बनाया था। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से पिन डाल देना है अपना, जो भी बनाएंगे आप 6 डिजिट का। और उसके बाद आपको यहाँ पर टैप कर देने के बाद यहाँ पर राइट मार्क आ जाएगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कनेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लगभग ये कनेक्ट हो जाएगा। आपको सामने दिखाई दे रहा है जो मेरा लैपटॉप है वो मेरे मोबाइल पर आ चुका है। कंप्यूटर से भी आप कनेक्ट करेंगे तो सेम ही वर्क करेगा, और मैं इसको इस तरह से कर लूँगा। अगर आपको इस तरह से नहीं हो रहा तो आपको नीचे से स्क्रॉल करना है या ऊपर से टैप करेंगे तो आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, रोटेशन लॉक का। तो इसको आपको हटा देना है, जैसे कि ऐसे रहेगा तो इसको इस तरह से हटा देना है आपको। इसको हटाने के बाद आपका इस तरह से डेस्कटॉप मोड में आपका मोबाइल हो जाएगा, और आप देख रहे हैं जो कि स्क्रीन मेरे अभी लैपटॉप पे दिखाई दे रही है वही आपको मेरे मोबाइल में दिखाई दे रही है। तो मैं अभी इसे मिनिमाइज करके दिखाता हूँ अपने मोबाइल से। तो यहाँ पर जो एक कसर दिखाई दे रहा है चलते हुए, तो इसके ज़रिए ही मैं इसे मिनिमाइज करूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसे मिनिमाइज कर दिया है, और मैंने क्लिक किया और ये मिनिमाइज हो गया। तो अभी हम होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, जैसे कि मेरे आपको लैपटॉप में दिख रही है और इसमें भी सेम दिख रही है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप किस तरह से आप अपने मोबाइल से यूज करके अपने कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। तो पहले चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको ये कसर चलाने में कोई दिक्कत है, पहले बात तो दिक्कत होती नहीं है, अगर दिक्कत आती है तो आप चाहते हैं कि आप अपनी उंगली से इसे कंट्रोल करें तो आपको नीचे की तरफ इसे स्क्रॉल करना है, और आपको यहाँ पर माउस का ऑप्शन दिख जाएगा। माउस का ऑप्शन दिखेगा तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर उंगली का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अब इसे अपने उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर खुल गया है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने मोबाइल से ही यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर पेंट है, तो मैं आपको यहाँ पर पेंट खोल के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर पेंट खुल गया है मेरी स्क्रीन पर, देख सकते हैं लैपटॉप की और यहाँ पर मोबाइल में। तो आप इसे खोल सकते हैं और अपने मोबाइल से आप कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज यहाँ क्लोज कर देता हूँ, तो इसे मैंने क्लोज कर दिया है और यहाँ पर ये फाइनली क्लोज हो गया है। तो अभी यहाँ पर आ रहा है तो बिल्कुल अब क्लोज हो गया। तो हम फिर से होम स्क्रीन पर आ गए। अगर आपको लगता है आपको कसर का ही यूज़ करके वर्क करना है तो आपको यहाँ पर फिर से ऐसे ही स्क्रॉल कर देना, और आपको यहाँ पर माउस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे आपकी कीबोर्ड दिख रहा है तो कीबोर्ड के ऑप्शन को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा अपने मोबाइल में। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, कुछ इसी तरह से ही आप अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करके फुली कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड, आप दूर बैठे किसी भी व्यक्ति की कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको रिमोट एक्सेस का भी बता दिया है मोबाइल से आपको कैसे कर, तो यहाँ पर आपको रिमोट सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गेट सपोर्ट और गिफ्ट सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, आप सपोर्ट आप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको एक पिन चाहिए होता है। अगर आप यहाँ पर दूसरे कंप्यूटर को अगर एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो पिन है वो आपको जनरेट करना पड़ेगा, वही पिन आपको उसे देना पड़ेगा, वो आपका कंप्यूटर यहाँ से एक्सेस कर लेगा अपने कंप्यूटर पर, जिस पिन के जरिए वो यहाँ पर आप जनरेट करेंगे पहले। अगर आप चाहते हैं कि आप उसका कंप्यूटर यहाँ पर आप अपने कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर उस पर उसे आप अपनी सपोर्ट देना चाहते हैं, उसके कंप्यूटर पर कोई भी प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ पर जो उसके कंप्यूटर का पिन है वो एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए होगा, और उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके कंप्यूटर का पिन है वो यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट कोड पर आपको क्लिक करना है, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इसी तरह से मांगेगा। तो आपको जनरेट कोड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बस थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो आपका ये है, देखिए जनरेट कोड आ गया है, तो आप इसे कॉपी करके भी रख सकते हैं। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए और इस तरह से यहाँ पर आपको पिन दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पर पिन इस तरह से दिखेगा, और आपको यही पिन आपको दूसरे कंप्यूटर पर अगर आपको किसी से अपने कंप्यूटर के लिए मदद चाहिए, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको यही पिन दूसरे व्यक्ति को देना है, वो आपके
कंप्यूटर को या लैपटॉप है जो भी, उसे अपने से कनेक्ट कर लेगा और यहाँ पर इसी पिन के जरिए ही आपको यहाँ पर सपोर्ट देगा। लेकिन आपको दूसरे को सपोर्ट देना है तो इससे पहले मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, कोड हट जाएगा, तो कॉपी कर लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर अगर आपको दूसरे को सपोर्ट करना है तो उसका ऐसा ही पिन जो आपके कंप्यूटर में आपको दिखा रहा है तो ऐसा ही पिन वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये लगभग 12 अंकों का होता है कोड, तो यही आपको यहाँ पर एक्सेस कोड डाल देना है उसके कंप्यूटर का। और जब आप ये कोड डालेंगे यहाँ पर तो वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और आप यहीं बैठे बैठे उसके कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से फ्रेंड आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स दे रखा है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट करूँ, लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप इसी तरह से ही यहाँ पर आप रिमोट कनेक्शन बना सकते हैं, चाहे वो दूसरे कंप्यूटर के लिए आपको सपोर्ट देना हो या लेना हो, या आप अपने रिमोट के जरिए आप अपने मोबाइल को यहाँ पर जोड़ सकते हैं अपने कंप्यूटर से और आप फुल कंट्रोल कर सकते हैं इसको। तो आपको इसी तरह से ही यहाँ पर करना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।